स्वागत है। और आज जो हम लैंप बनाएंगे वो 18वां लैंप आज आपके साथ बनाएंगे और वो आखिरी आर्किमिडियन सॉलिड है। इसके बाद हम दो लैंप और बनाएंगे और सबसे सुंदर बहुत अद्भुत लैंप हमने लास्ट के लिए बनाने के लिए छोड़ा है, तो वो हम दिवाली वाले दिन बनाएंगे। तो आज का जो हम लैंप बना रहे हैं उसका नाम है स्नब डोडेकाहेड्रन। इससे पहले हमने एक और स्नब बनाया था स्नब क्यूब, और आज हम बनाएंगे स्नब डोडेकाहेड्रन। बन चुका है। इससे पहले हमने एक और स्नब बनाया था स्नब क्यूब, उसमें हमने देखा था कि हमने स्क्वायर फेसेस को यानी क्यूब में जो स्क्वायर फेसेस थे उनको एक्सपांड कर दिया था और फिर वर्टिसेस को जोड़ा तो हमें ये ट्रायंगल्स मिल गए थे। आज हमने जो बनाया है वो है स्नब डोडेकाहेड्रन। नाम से जैसे पता चल रहा है कि डोडेकाहेड्रन के 12 पेंटागन फेसेस को एक्सपांड कर दिया और फिर जब वर्टिसेस को मिलाया तो हमें ये ट्रायंगल्स मिल गए। इस लैंप में 60 वर्टिसेस हैं और हर वर्टेक्स पे 4 ट्राइंगल और 1 पेंटागन आके मिल रहे हैं। हर वर्टेक्स पे 4 ट्राइंगल और 1 पेंटागन आके मिल रहे हैं। और इसमें जो साइड्स हैं, एजेस जो हैं इसके, वो हैं 150 एजेस। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये जो लैम्प है वो 92 इसमें फेसेस हैं। 92 फेसेस, 12 इसमें पेंटागन फेसेस और 80 ट्राइंगुलर फेसेस हैं। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये बहुत गोल सा स्ट्रक्चर है। तो ये सारे आर्किमिडियन सॉलिड में इसमें सबसे ज़्यादा फेसेस इसी लैम्प में है। और अंत में आपको CCL की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।